press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के बाद पूरे उत्साह में हैं। पहले गुजरात में कांग्रेस के बढ़िया प्रदर्शन और फिर राजस्थान उपचुनाव की दो लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर जीत के बाद उन्होंने अपनी सक्रियता और बढ़ा दी है। इस साल 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, वहीं लोकसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। इसकी तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक सप्ताह में दो बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुद कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल देश भर के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल से भी बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश मीडिया प्रमुख राजीव जैन ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर उन्हें दिशा से भटका रही है। उन्होंने विपक्षी राजनीतिक दलों पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए छात्र हितों की बजाय युवाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।